सरकार ने कार्ड रुपका दिया बारे मैं पूरा परिवार ने कौन जाना बेगा सा खाची पूछो इंडिया में नेता सब चोर है। पानी भी कोई नहीं आ रहा, 4000 रुपया कनेक्शन का दिए, पानी कोई आ रही को नहीं, आज 7-8 दिन गया। ओपन में आएगा कुछ अंडरग्राउंड चलेगा, मतलब दोपहर की लाइन में खतर थे बारे बैठे हो लाइट और के तो लाइट तो रहे तो हाथ गोली अब फरी उड़ो के मतलब श्री बाबा बताओ चोटी पकड़े 23 मिनट क्या का पैसा लिया तू? काम हुआ को नहीं, 100 मिनट दे दिया, लाइट दे को नहीं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनकी सुनाई नहीं हो रही, तो गरीब आदमी क्या होगी। राम राम सामो मनोज थे, देख रहे हो जिलको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो। लगातार अपनी चुनावी कवरेज है जी जारी है, बैंक तहत सुजानगढ़ को गांव है मुडाकिया बड़ पहुंचा, ग्रामीणों में बातचीत करांगा, देखा के विकास ऐठे हुए है या लॉलीपॉप जी को जो लाए वो लेगे है जी ग्रामीण बैठे सब। आगामी थोड़े दिन बाद में चुनाव आना रहे कि कुछ सोच रखे चुनाव ने लेगी पिछली सरकार काम कुम करेगी सरकार को क्यों कौन करो भाई हम तो काम कुम जी पिछले कार्यकाल में होया को नहीं होया काम हो भी है को नहीं भी हुए का काम ही सरकार कौन सरकार कोई बीजेपी करे कोई कांग्रेस करे जी हाँ थर तो उपचुनाव भी हो पिछली बार तो जिदी अपेक्षा है गांव की समस्या समस्या ही मिट्टी के विकास हो कौन मिट्टी को नहीं मैंने गमुंडा में सड़क है जाए आराम कैमरो लगा दियो संतुष्टि दिखे सी कतो काम कराए उड़े कता ही चुनाव गया कौन मेटे बाजना है तो मैं कोई आवे मीडिया लगा देना मैं खड़ा और बात कौन नहीं करा कहीं करा सेकंड लिखवा मुद्दों में सबने लिखवा के देखो गांव के मान अठे ई साइड का मान है ब्लॉक जड़ा जकी में मकाना के सारा ढारो पूछ के रड़ो वो भिजन लाग गए जीव चढ़े बड़ा पर दो गाड़ा कांकरा भेड़ा कर छोड़ दिया भी ठेकेदार को काम कोनी भाई के खुरो बनाए तो आपनो कचरो ऐच कर उठा पाछो 1100 रुपया पानी कनेक्शन के लिए ले गया 1100 रुपया सरपंच मारो कनेक्शन की खातर ले गयो 7 महीने आ गया आज तक कोई कनेक्शन कोनी है कोई पाइप कार्ड छोड़ दी कोई और कार्ड नहर कनेक्शन पानी वाला पानी भी कोनी आ रहा 4000 रुपया कनेक्शन का दिए पानी कोई आ रही कोनी आज 7-8 दिन गया नहर वालों पानी को नहीं आ रही तो एक तो मोटा मोटी पानी है समस्या और भी कोई समस्या है सरपंच पैसा लेकर कनेक्शन को नहीं मोटी मोटी कनेक्शन समस्या है 1100 रुपया रसीद पड़ी है प्रूफ दिखा दियो बाकायदा ने दिए बराबर स्कूल में भी बार भी अच्छी ड्यूटी है फ्री में लगा रहे हैं चारी में फ्री में कनेक्शन हो रहे हैं आप 1000 रुपया लिए संतुष्ट की बात को नहीं कार बिजली की 100 यूनिट फ्री दी है तो बहुत संतुष्ट है कि गांव में रोटी खाने वाले टाइम लाइट को नहीं रहे फोन लग गए भी टाइम लाइट को नहीं रहे लाइट आज तो है ही नहीं दोपहर की लाइन में खतर थे बारे बैठे हो लाइट और के तो लाइट तो रहे तो हाथ गोली अब फ्री उड़ो के मतलब श्री बाबा बताओ 23 यूनिट में पीसा आवा है 23 यूनिट आए पहले के मारे जगह में पीस आए सोता ही तो फ्री दे रखी बताई हाँ ना कोई भी 100 यूनिट फ्री आए 23 यूनिट में पीसा किया हूँ चोटी पकड़े 23 मिनट आए क्या का पैसा लिया तू लेना है डाला अरे 3000 रुपया मारला ने के लाने 3000 रुपया अरे बिल तो घर में टाइम बारिश हो रहा हां अंबा मकान की किया बिल तो 80 पर बा लाइट दिए तो 80 ने मेन चीज तो लाइट ही कोनी रहे आदिवारी काम हुआ को नहीं 100 मिनट दे दिया लाइट दे को नहीं तो दूसरे चुन लिया बीजेपी कांग्रेस जरूरी थोड़ी आरएलपी देख लिया भाई 100 मिनट दे रहे हैं तो लाइट तो दे को मिनटा ने थोड़ी चाटा बात अठे बैठे आई मंतावड़ा में आजकल उमस भी बहुत ज्यादा है उमस की तो छोड़ो थे बात ही छोड़ो थे जीक रहे सरकार ने काट लिया पश्चिम सरकार ने कार्ड रुपका दिया बारे ने के जिलो मना रहे हुए थे मैं तो कोई जिलो बनावा कोई तहसील है जैसी ठीक है चालन दो रोड पर तो कायदो ही है रोड बनाई क्या खातरी रोड पर ही बैठा अच्छा साला सर गिरफ्तारी दी है और बैठे रोड पर क्यों सुजानगढ़ रोड पर
पर कटे सुनाई कांग्रेस नो मांग करी में कांग्रेसी आदमी कौन दियो अब वोट मत दिया माको सौ सुशी बिन देशिया घटो तो होगो सरकार के अबे जिलो कौन बनायो घटो तो होगो सरकार के घाटो योग जनता के वेर बनाए सरकार के घाटो अपने माको सुजानगढ़ जिला लाइक हो गयी छोटी तहसील जिला अपने राजस्थान में केरा खोगा बकाले की लग रही है राजस्थान में देख से उठ बैठ देख देख से यहाँ कौन बताओ आज के किन देश ना गिरफ्तारी तो दे दी पर गिरफ्तारी तो देखो जायज बात के सगया में पार्टी कोई सी हो बात जायज के सगया मुद्दा के सगया में फिजूल सगे बड़ा आदमी वोट दे सोच बिल्कुल सोचकर वोट देंगे नोटा रोगे मैं तो नीचलो नीचलो दबा मारो नाम से ही की हुए मैं तो नीचलो नीचलो दबाऊंगा कुर्सी का जो तीन कुर्सी है वो चाहिए क्योंकि कोई पार्टी कोई काम की नहीं है आरएलपी आरएलपी तो ठीक होगी तो मान्यता है तो करावे जिको तो जी थे लगी क्या खड़े हो आगे वोट तो गिरोगा गिरोगे नहीं कोई और गिर जी हो तो थारो और गिर जी तो और गिर जी सी नहीं थे जाओ कहीं हो कौन सी पार्टी का हो क्या का हो कोई पार्टी का कौन है तो राजस्थान में या इंडिया में नेता सब चोर है कोई सा भी आ जाओ जनता त्रस्त है जनता त्रस्त है राशि है नेता आप वोट दें आप पर राज करें कायदे थोड़ी है आप तो उम्मीदा रख लेकिन बाद में काम हो नहीं वोट मांगने खतरा में बाद में कोई को नहीं आवे बीजेपी का सांसद 30 साल होगी हमारे गांव में यदि 1 रुपया खर्च करे हुए तो राम सिंह कसवा राहुल कसवा जीत्याबाद में जो वापिस आवे तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो बीजेपी हो चाहे आरएलपी हो या सीएलपी हो कोई भी हो कोई नहीं आता नेता सब चोर है की कई आदमी को नहीं आज जनता को माहौल बन सी बने जासी करनो का चीज है चोर ही सब है। अब कोई कह दे फलानो आदमी चोर है तो बिन सजा करा दी कोई कह दे बो साहूकार है तो बिन सजा करा दी क्योंकि मैं तो अफसर ही ऊपर ही वे अंकल जी आप चुनाव लेर भी तो आप कमी तो अपनी है अपनी कमी है आप वोट दे और आप बन चुना और अपने बस जाना अच्छा वैसे युवा के कुछ देखे वोट चूज करे वो कल कैंडिडेट ने युवा तो योजना के हिसाब चूज होगा कोई योजना देगा अभी सब चूज करेंगे चूज और कोई योजना बटन दे रहा है अभी फायदा कुछ हो रहा कोई नहीं भाई योजना में कहीं फर्क पड़ता सरकार रिपीट हो सके सरकार रिपीट हो जाएगी तो योजना पहले मैं देखांगा माँ को कहीं काम करोड़ विकास करोड़ है कोई नहीं पहले तो विकास हो रहा है अंदर में क्या बतायो कुमार के गांव में एक तो एजेंट खड़ा कर दिया कांग्रेस वाला ही करें समझ लो नहीं तो मैं पटवारी को मुंडो देखियो आज तक मैं ग्राम सेवक को देखियो प्राइवेट एजेंट खड़ा कर दिया जो मुंह देख देख टीका काट है और कोई मतलब को नहीं सीधी बात है प्राइवेट एजेंट जानो एक ग्राम सेवक कौन होता है क्या मतलब है उसका और वो गांव का या नहीं यहीं का यहीं ड्यूटी देने का क्या मतलब है उसका ड्यूटी 200 किलोमीटर दूर दो सहायक है तो दूर भेजो ना गांव का गांव में ड्यूटी देना है क्या मतलब है उसका मुंडा दे दे टीका काट दे रहा मैं खुद बीपीएल में हूँ 100 दिन रोजगार होता है ना उसमें आज तक मेरा उठा के देख लो उसका आज भी जाके मेरा अगर एक भी हाजिरी मिली आपको कहीं भी ना ये तो समझ रहे थाला नेता समझ जाए नहीं जो काम सेट हो जाए वो नेता कौन समझे नेता के लिए तो वीटो तैयार काम थोड़ा कराऊं जितने बाद में कोई नहीं तो आर पांच हार का थार का समस्या लमे मैं तो आपके नीचलो दबाऊंगा कई डी है कोई नहीं नहीं देवांगा अब पीछे एक साल पहले चुनाव यार मैं पास में आया कोई को नहीं आवे दो बार भी मौको मिलियो दोबारा मिलियो पर मैं कांग्रेस वाला नहीं मुको भाई कांग्रेस की सरकार है जहाँ कांग्रेस वाला नहीं लियो पर कोनी बस वोट दिया पर सुकून आओ कोई को नहीं आवे लगभग 2.5 साल पहले मैं आयो अठे अठी बैठा लोग और बातचीत करी मैं लोग कह रहे हैं मैं सांत्वना सागा अब थारू भी कोई सांत्वना रख रही है थे तो 2.5 साल पहले सांत्वना कोई सांत्वना नहीं है बार के टाइम बाद में माहौल पर ही डिपेंड बनाएगा की को क्या होगा कुछ आपको ना पता कहीं तो 5 साल में 30 बार थार गांव में बढ़ रही है तो अरे तो माने गांव में रहने ने टाइम है गे एमपी को नहीं आयो नहीं माने अड़े गांव में रहने ने टाइम है गे मैं पूरा परिवार ने कौन जाना बेगा सा खाची पूछो जो एमपी ने किन जाना अड़े चुनाव आ जाए गांव का लोग की कुछ सोच रहे चुनाव ने लेगी देखो परिवर्तन चाहते हैं सब कांग्रेस बीजेपी से सबका विश्वास उठ गया तीसरा फंड देखना चाहते हैं के कांजास के तीन तीसरो मोर्चो भी कई है आम आदमी पार्टी है आरएलपी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब मिलके फंड बनाया अभी इंडिया तो इंडिया की तरफ चलेंगे ये तो बीजेपी वाले तो कुछ करते नहीं है क्या करते हैं आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उनकी सुनाई नहीं हो रही है ब्रजभूषण ऐसे ही जमानत पर वापिस जमानत हो गई क्या हो रहा है इस मोदी सरकार में जितने भ्रष्ट है वह मोदी सरकार में है बलात्कारी है ये मोदी सरकार में है जितने भी चोर लफंगे सब राष्ट्रीय का मुद्दा है गांव पर अभी भी उसके बिल्कुल क्यों नहीं होगा बिल्कुल होगा
कहूंगा लोग यहाँ पर विचार करे भी हो रहा है तो सब जगह फैल रहा है तो जबकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनकी सुनाई नहीं हो रही तो गरीब आदमी क्या होगी। बॉर्डर टिका दोगा ये बिल्कुल टिकेगा ओपन में आएगा कुछ अंडरग्राउंड चलेगा सुजानगढ़ में खेला हो जाएगा काम बीजेपी नहीं आएगी कांग्रेस वो इंडिया फंड आएगा देखो आरएलपी अकेले से कुछ नहीं होगा सब जो इंडिया को फ्रंट बना है वो सक्सेस होगा। दो हावी हो रहा तो मानो ही थे बाकी सगला मिलना पड़ रही है। हाँ तो ये जो 38 है ये तो 26 ही है ये तो पहले मोदी कहता था अकेला मोदी सब प्रभारी तो 38 कैसे हो गया क्या जरूरत पड़ी मोदी जी को 38 पार्टी मिलाने की ये तो चोरों की कितना दिन चलेगी। आज मनीष सिसोदिया को डॉलर का है क्या मिला उनको ईडी छीडी सबको लगा रखी है क्या मिला मनीष सिसोदिया के पास जो एक आज देश का भविष्य सुधारने वाला मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री उसके कितना दूर उसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है मतलब शिक्षा के लिए कितना उसने काम किया है उसके पीछे डाल दिया कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बर्बाद करो बदनाम करो। डाकिया गाँव हो तहसील सुजानगढ़ ही तो ग्रामीणों में बातचीत करी और एक ग्रामीण है जी का बताए हुए कि वोट लेना टाइम हर राजनेता है जी को आवे लेकिन बाद में है वो कोई कौन संभाले। बनियारो झलको चूरू पर जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।